हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आईओसी पाइपलाइन से तेल चोरों ने मारी सेंग। मुद्रा पानीपत पाइपलाइन में चोरों ने मारी सेंग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मुद्रा पानीपत पाइपलाइन में चोरों ने सेंग मार दी। पाइपलाइन में वॉल लगाकर क्रूड ऑयल चोरी किया। मामले की भनक लगते ही आईओसी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आईओसी अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंची। वॉल को हटाकर पाइपलाइन की मरम्मत की गई। समीप पर्वती किवरली गांव में हाईवे से कुछ दूर पर स्थित खेत से गुजर रही आईओसी की पाइपलाइन में चोरों ने सिंग मार दी। खसरा नंबर 782 से होकर जा रही पाइप में ड्रिल कर वॉल लगा दिया गया। आनंद फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे। वही सूचना मिलने पर सदर थाना अधिकारी प्रवीण आचार्य ने मौका निरीक्षण किया। खेत में लगी अरंडी की फसल के बीच क्रूड ऑयल फैला हुआ मिला। आईओसी की अधिकारियों ने तत्काल पाइपलाइन का मरम्मत कार्य शुरू करवाया। एनएच 27 से दूर होने व अरंडी की फसल के चलते पाइपलाइन में सिंग मरी की भनक तक नहीं लगी। सूत्रों की माने तो क्रूड ऑयल चोरी करने वाले लोगों ने पाइपलाइन में वॉल लगा दिया, लेकिन वॉल लीकेज होने के चलते क्रूड ऑयल अरंडी की फसल के बीच फैल गया। ऑयल लीकेज होने की भनक लगने पर अधिकारियों को पाइपलाइन में सेंग मारने की जानकारी मिली। मामले की गंभीरता के चलते सदर पुलिस ने खेत मालिक को हिरासत में लिया। खेत मालिक को थाने ले जाया गया, जहां उसे जनता से पूछताछ जारी की। खेत मालिक से मिली जानकारी के आधार पर तेल चोरों के गिरोह का पर्दाफाश हो सका। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए प्रवीण आचार्य CI सदर थाना, इन्होंने ये कहा। इस संबंध में हमारे को कल सूचना मिली थी। कल हम वहाँ गए थे, IOCL वाले भी मौके पे आए हुए थे। हम लोगों ने वहाँ कल उसको पाइप लाइन को रिपेयर IOCL के द्वारा किया गया और इस संबंध में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान श्रीमान CEO साहब द्वारा किया गया। सर, ऐसा कोई जानकारी मैं सर, कब कितने समय से चल रहा था और किस तरह से ट्रेस आउट हुआ? ये प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट में इन्होंने बताया है परसों शाम, क्योंकि एक दिन पहले उनकी टीम के द्वारा जो मौके पे हमें जो उनकी सुरक्षा टीम के लोगों ने उस जगह को सुरक्षा कारणों से विजिट करना बताया है, तो वहाँ ऐसी कोई गतिविधि उनको दृष्टिगोचर नहीं हुई थी, उनके गार्ड ने बताया था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये उस दिन की घटना, लेकिन हालांकि इस संबंध में कुछ भी कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। जो भी है इस संबंध में श्रीमान CEO साहब द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो भी चीज़ है विस्तृत स्थिति अनुसंधान से स्पष्ट हो पाएगी। सर, कहीं ना कहीं खेत मालिक का भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है क्या सर? इस पहलू पे श्रीमान CEO साहब द्वारा जांच की जा रही है। जो भी जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा उस संबंध में तदनुसार अग्रिम की कार्रवाई की। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।